रुखसाना और आप देख रही हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज हम बनाएंगे आटे से मजेदार स्नैक्स, आप खाएंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। जिस तरह की आज हम बना रहे हैं गंदम के आटे से एक मज़ेदार स्नैक्स, तो यहाँ पे मैंने एक प्याले के करीब आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक और हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें से 2 चम्मच आटा जो है वो निकाल लेंगे और बाकी को जो है तो अभी इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इससे हमारे स्नैक्स जो हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आटा मैंने गूंद लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सेट हो जाए। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम फिलिंग तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। उनको मैंने बॉईल कर लिया है और उसको हम एक मैशर की मदद से इस तरह से मैश कर लेते हैं। अभी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे मसाला जार, तो 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं तो इसकी जगह पे लेमन भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और 1/2 टीस्पून इसमें मैं ओरिगैनो जो है वो ऐड कर रही हूँ। और अभी हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर भी, कि हम जो है वो एक रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया है। अभी ये जो आलू का मिक्सचर हमने बना के रखा है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको सारे को हम इसके ऊपर जो है वो फैला लेते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा केचप और यहाँ पे मेरे पास हरी चटनी है वो हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देते हैं और इसको भी केचप के साथ इसको इसके ऊपर सारा इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी जो है वो इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दी है। अभी यहाँ से हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, और इसको हम इस तरह से हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे चुपटा कर लेते हैं। ये देखें, हमारे मज़ेदार स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको इसी तरह से भी जो है वो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और फिर हमें फ्राई करने में आसानी होगी। अभी ये जो आटा हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा हम लेंगे साबुत धनिया। इसको हाथ पर हम इस तरह से मसल के तो इसमें ऐड कर देंगे। इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। और अभी हम इसमें पानी ऐड करके तो इसका एक लिक्विड बना लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अभी ये जो आटे के स्नैक्स हमने तैयार किए हैं ये हम इस मिक्सर में जो है वो इस तरह से डिप करेंगे और ऑयल में जो है वो हम डालते जाएंगे। हमारे स्नैक्स जो हैं वो कैसे खूबसूरत जो है वो तैयार हो गए हैं। इनको भी हम ऑयल से बाहर निकालते हैं तो बाकी भी इसी तरह से ही हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार आटे के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत आसान है और थोड़ी सी चीज़ों से इतने मज़ेदार स्नैक्स बन जाएंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।